हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे एक और क्वेश्चन, मैं 17 से इधर के जो कुछ क्वेश्चंस, मैं मतलब ऐसे क्वेश्चंस जिनको जिससे आपको आइडिया डेवलप हो कैसे आप अप्रोच करते हैं सीरीज के क्वेश्चंस पे जो आए हुए हैं नेट में, तो ये नेट दिसंबर 2017 का क्वेश्चन है, अगर मैं सही हूँ। क्वेश्चन पढ़ते हैं, लेट एएम, अगर थोड़ा छोटा दिख रहा है तो मैं इसको बड़ा कर देता हूं, मे बी आपको ऐसा लग रहा हो कि थोड़ा छोटा दिख रहा है, बिल्कुल अब सही है फ्रेंड्स। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या बोला कि एक सीक्वेंस लिया, देखिए आपको सीक्वेंस लिंक करता ही है नेट के क्वेश्चंस में। एक सीक्वेंस लिया रियल नंबर्स की, जिसमें फर्स्ट टर्म, सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, और एक रिकरेंस रिलेशन बन रहा है कि सीक्वेंस का अगला जो टर्म है ना, पिछला टर्म में 1 ऐड करिए तो उससे या तो बड़ा होगा या तो इक्वल होगा, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। देन व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज नेसेसरली ट्रू, अब बोला कि इसमें से जो ऑप्शंस बना रहा है ना, कौन गारंटी के साथ ट्रू होगा। तो यहां पे सीक्वेंस दिया और करेस्पॉन्डिंग सीरीज बना दे रहा है, ठीक है ना। सीक्वेंस लिया और सीक्वेंस में बस ये रिकरेंस रिलेशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, और आपको इस सीक्वेंस से 4 सीरीज अलग अलग टाइप के बना रहा है। सीरीज दिस 1/an², मतलब इस सीक्वेंस से लेके जो सीरीज बना रहा है उसका nth टर्म क्या है, 1/an², इस सीक्वेंस के nth टर्म का स्क्वायर। बोला है कि ये डाइवर्ज करती है, फिर क्या बोला है, सीक्वेंस an ये बाउंडेड हो जाएगी। फिर क्या बोला है, देखिए ये यहां पे सीरीज बना दिया, यहां पे वही सीक्वेंस की बात कर रहा है, फिर यहां पे बोला है कि सीरीज जो है ये सीरीज कन्वर्ज करती है। सेम क्वेश्चन जो ये वाला ऑप्शन में दिया है ना, फर्स्ट में वही को ले लिया, यहाँ पे बोला है कन्वर्ज करती है। तो इसमें तो समझ में आ रहा है कि ये दोनों में से कोई एक सही होगा, बट अभी आप कंफर्म नहीं होंगे। अगला ऑप्शन सीरीज 1/an कन्वर्जेंस, ठीक है। तो क्या किया, एक सीक्वेंस लिया है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, उसी के nth टर्म को लेके अलग अलग सीरीज बनाया 3 ऑप्शंस में। इसमें तो खैर उसी सीक्वेंस के बारे में पूछ रहा है, अब थोड़ा सा स्मार्टली सोचना है। चलिए हमें क्या करना है, सीक्वेंस एक बनानी है। मैं पहले ऑप्शन से चलूंगा, मैं आपको क्या बताया, सेक्शन बी हो सेक्शन सी, किसी भी सेक्शन का क्वेश्चन कर रहे हैं, ऑप्शन को गलत करने की कोशिश करिए, क्योंकि वहां पे जो क्वेश्चंस आएंगे, नेट हो गेट हो जैम हो, रटे रटाए क्वेश्चंस तो आएंगे नहीं फ्रेंड्स, वो फंसाएगा जरूर। हालांकि ये थोड़ा ईजी था, अब यहाँ पे स्मार्टली सीरीज आपको लेना है, सॉरी सीक्वेंस ये an जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। देखिए बड़ा आसान है, अगर मैं इस सीक्वेंस को ये ले लूं, सीक्वेंस का nth टर्म अगर मैं ये ले लूं n, सबसे सेफ जो कि मैं कर सकता हूं। अगर ये सीक्वेंस ले लिया तो पहली चीज इस सीक्वेंस के बारे में, पहली चीज कुछ इंफॉर्मेशन, तो ये सीक्वेंस an अगर मैं ले रहा हूं तो दो इंफॉर्मेशन है, ये तो हम कर चुके हैं ना, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, ठीक है ना। ये सीक्वेंस को सीक्वेंस वाले चैप्टर में मैंने बहुत डिटेल में किया था, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है बट नॉट बाउंडेड, बट नॉट बाउंडेड। बाउंडेड क्यों नहीं है फ्रेंड्स, क्यों बाउंडेड नहीं है, बाउंडेड अबव नहीं होगा। ये सीक्वेंस क्या है, 1, 2, 3, 4 इस तरह से जाएगा ना, तो आप अपर बाउंड नहीं निकाल पाएंगे, लोअर बाउंड तो मिल जाएगा, अपर बाउंड नहीं मिलता है। तो बाउंडेड अबव नहीं है, और बाउंडेड अबव नहीं है मतलब ये बाउंडेड नहीं हुआ, पहली चीज। अब देखिए पहली चीज में अगर ये ले रहा हूं ना, तो ये जो कंडीशन है इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म क्या है, 1, तो बिल्कुल जो कंडीशन दिया है इसको सेटिस्फाई करता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये कंडीशन को सेटिस्फाई किया पहला। दूसरा क्या बोला है, हर अगला टर्म पीछे वाले में 1 ऐड करिए तो उससे बड़ा होगा या तो इक्वल होगा। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, ऑब्वियस ही बात है, जैसे ए टू लेंगे, ए टू मेरा क्या है, 2 है, तो ये इक्वल है ए वन प्लस 1 के, और इन जनरल आप चले जाएंगे तो बिल्कुल ये कंडीशन होल्ड होती है ए एन प्लस 1। तो यहाँ पे इक्वल लिखा है ना, मतलब ये परफेक्ट एग्जाम्पल हमने चूज किया उन्हीं सिक्वेंसेज में जो सिक्वेंस के चैप्टर में हम लोग बार बार कर रहे थे। मतलब ये जो सीक्वेंस मैंने लिया परफेक्टली इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब ऑप्शन पे चलते हैं 1/1, तो बोल क्या रहा है, द सीरीज दिस, अब यहां पे जो सीरीज कंसीडर कर रहा है 1/an²
अब ये सीरीज क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, सीरीज 1 बाई एन स्क्वायर, मतलब एन एथ टर्म का स्क्वायर, ये जो सीक्वेंस है, तो ये क्या हो जाएगा एन स्क्वायर, एन इजकल टू 1 टू इंफिनिटी। अब बाई पी टेस्ट ये सीरीज कन्वर्ज करती है, तो दिस विल इंप्लाई बाई पी टेस्ट ना, पी टेस्ट यहां पे पी क्या है 2, ग्रेटर देन 1 हो गया, सो बाई पी टेस्ट ये जो सीरीज है मेरी 1 बाई ए एन स्क्वायर इज कन्वर्जेंट, इज कन्वर्जेंट, इज कन्वर्जेंट। तो ये सीरीज मेरी कन्वर्ज करती है, पहला ऑप्शन क्या बोला, ये सीरीज डाइवर्ज करती है, गलत हो गया। मैंने एक काउंटर एग्जांपल बनाया जिसके हेल्प से, एक सीक्वेंस बनाया काउंटर एग्जांपल में जिसके करेस्पॉन्डिंग ये सीरीज कन्वर्ज करती है, यहां पे क्या लिखा है डाइवर्ज करती है, गलत हो गया। हर एक ऑप्शन को गलत करने के लिए आपको काउंटर एग्जांपल बनाना होता है, ठीक है। अब बोला है कि जो सीक्वेंस मैं ले रहा हूं वो बाउंडेड है, अब अभी मैंने लिख दिया वो बाउंडेड नहीं है, यहां पे क्या बोला है कि जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते, वैसे भी देखिए फ्रेंड्स अगर ये टर्म बड़े बड़ा होता जाएगा तो वैसे भी आपको समझ में आ रहा है कि बाउंडेड अब नहीं होगी इस डिफिनीशन से ही, और काउंटर एग्जांपल से भी हमने दिखा दिया कि बाउंडेड नहीं है। अब आते हैं थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कि द सीरीज दिस इज कन्वर्जेंट। अब ध्यान दीजिएगा, आपने ये काउंटर एग्जांपल लेके आपने दिखाया कि ये कन्वर्ज करती है, तो एक पर्टिकुलर काउंटर एग्जांपल से ये कन्वर्ज करती है, तो यहां पे थोड़ा सा होल्ड रखिए, आप तुरंत टिक मत करिए, फिर से दूसरा काउंटर एग्जांपल लेके आप इसको गलत करने की कोशिश करिए, देखिए क्या ये गलत होता है। पहली चीज समझ में आ गया, एनीवेज तो अभी यहां पे मैं होल्ड पे रखूंगा, मैं इसी काउंटर एग्जांपल से क्या फोर्थ ऑप्शन कट कर पाऊं, अगर इसको कट कर दूंगा तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा। तो चलिए यहां पे क्या बोला है, यही काउंटर एग्जांपल काम कर जाएगा, ये जो सीरीज है तो इस केस में ये जो मेरी सीरीज 1 बाई ए एन है वो क्या हो जाएगी, सीरीज 1 बाई एन, और फ्रेंड्स ये पी टेस्ट से ये डाइवर्ज करती है, तो ये डाइवर्ज करती है, डाइवर्जेस बाई पी टेस्ट, पी टेस्ट से ये डाइवर्ज करती है, क्यों, क्योंकि पी इज इक्वल टू यहां पे 1 है, तो ये डाइवर्ज करती है, यहां पे क्या लिखा कन्वर्ज करती है। एक ही स्मार्टली काउंटर एग्जांपल आपने चूज किया, और आपका यही स्मार्टनेस होता है फ्रेंड्स एक्चुअल एग्जाम में, इसीलिए मैं बोलता हूं कि पेन उठाने से पहले, सोल्यूशन करने से पहले, चाहे वो जैम हो, चाहे नेट हो, गेट हो, आप क्वेश्चन को पहले बहुत केयरफुली पढ़ें, 2-4-5 सेकेंड आप पहले समझे कि क्या बोल रहा है, कैसे मैं अप्रोच लगाऊंगा, और जब काउंटर एग्जांपल लेने से पहले 2-4-5 सेकेंड आप होल्ड पे रखें अपने आप को, कि एक काउंटर एग्जांपल ऐसा लो जिससे 2-3 ऑप्शन में वो काउंटर एग्जांपल काम कर पाए, यहाँ पे 3 ऑप्शन में काम कर गया, तो 3 ऑप्शंस मैंने कट कर दिया फ्रेंड्स, मतलब ये ऑप्शन सही है और इस काउंटर एग्जांपल से भी ये सही हो रहा था, तो ये सही हो गया। लेकिन अभी आपका होमवर्क बाकी है, इसको आप प्रूव करेंगे, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो तो ये कन्वर्ज करेगी। दूसरा मेथड, इसको आप काउंटर एग्जांपल लेके गलत करिए, मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए सीक्वेंस जितने भी बना सकते हैं 2-3 कम से कम बनाइए, और सच दैट ये गलत हो जाए, मतलब ये कन्वर्ज न करे, तो आप ऐसा काउंटर एग्जांपल बना ही नहीं पाएंगे। ये मैं थोड़ा स्टूडेंट्स का तरीका बता रहा हूं, अगर आप प्रूफ न कर पाए तो फिर आप इस तरीके से भी जा सकते हैं। एनीवेज हमारा तो यही पे हो गया, 3 ऑप्शन गए तो एक करेक्ट आंसर तो होगा ही होगा फ्रेंड्स, क्लियर है। सो देखिए कितना स्मार्टली हमने किया, और यही अप्रोच होना चाहिए, और मैं बार बार बोलता हूं हम यही सिखाते हैं आपको, हमारे लाइव क्लासेस हो, पेन ड्राइव कोर्सेज हो, ठीक है ना, हम यही आपको सिखाते हैं अप्रोच, आपको इसी लेवल पे ले जाने की कोशिश करते हैं कि काउंटर एग्जांपल बनाए फटाफट आप करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, होपफुली ये एफर्ट समझ मेरा जो एफर्ट था आपके पास पहुंच पाया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।